नारी जीवन कोई आसान नहीं होता है। मैं स्वयं नारी हूँ इसलिए कोई बढ़ा करके कोई आपको बता कहूँ ये बात नहीं है। शास्त्र पढ़िए, कुरान पढ़िए, क्योंकि जो क्षमता, जो सहनशीलता भगवान नारी के अंदर देते हैं ना, वो दूसरे किसी के अंदर नहीं मिलेगी। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता। जो महिला होती है उसको स्वभाव से ही उसके अंदर क्षमा, दया, सहन शक्ति, ये हृदय में उसको जन्म से ही स्वभाव से मिलती है, ये उसका स्वभाव होता है। सहन शक्ति होती है, यही तो कारण है कि घर में सबको जोड़ करके रखती है, घर में सबको, परिवार को जोड़। कहते हैं ना, एक महिला ही घर को बिगाड़ सकती है और महिला ही उस घर को स्वर्ग बना सकती है। बिगाड़ना भी सुधारना भी दोनों उसी के हाथ में होता है। तो मैयाओं, आप जो है ना यहाँ जितनी बैठी हैं, आप सब इस देश का बहुत बड़ा गौरव है। आप इस देश का गौरव हैं और उस गौरव को ऐसे ही बनाए रखिएगा। आजकल की कुछ माताओं को लगता है कि शायद भारतीय अगर संस्कृति में वो जिएंगी तो बड़ी लो स्टैंडर्ड में मानी जाएंगी, और इस तरफ पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते हुए वो पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा अपनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन हम उस देश में, हमारा जन्म हुआ है जिस देश में देवी गौरी हुई, जिस देश में देवी सती हुई, जिस देश में देवी देहूति हुई, इसलिए कभी भी अपनी संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास करती रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं कैसे अपने उस कई लोग इस चीज़ को पुराना समझ लेते हैं, अरे ये भारतीय परिधान पहनना ये तो पुराना कल्चर हो गया, आप थोड़ा सा विकसित हुआ जाए। कोई है, कोई मनाही नहीं है मेरी, अच्छा है, समाज के साथ आगे बढ़िए, लेकिन अपनी संस्कृति को मत टूटने दीजिए। तो नारी जो होती है वो बहुत सहन शक्तिशील मानी जाती है। कई लोग घर में पुरुष भी होते हैं ना, तो नारी को बड़ा कहते हल्के में ले लेते हैं। जैसे पूछेंगे, घर ऑफिस से काम करके आए ना, तो रात को पूछते पूरे दिन पढ़े पढ़े क्या किया तूने, उनको लगता है मैं तो पूरे दिन काम करके आया, तू क्या कर रही थी यहाँ बैठी बैठी। और उनको कौन समझाए कि जो पूरा तुम्हारा घर है ना, ये संभालने वाली ये नारी है। संडे को पुरुषों को छुट्टी मिल जाती है, पर मैयाओं को छुट्टी छोड़ो, इनका काम संडे को डबल हो जाता है, क्योंकि पतिदेव उस दिन घर में ही होते हैं ना, तो घर में पड़े पड़े ऑर्डर देते रहते हैं। आज तो चीला खाने का मन कर रहा है, बेचारी बैठ के बनाती है। बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चों की नई नई ख्वाहिशें होती है, मम्मी ये दे दो वो दे दो। होली दिवाली छुट्टियां मिल जाती हैं, इनका काम दिवाली को और डबल हो जाता है, घर साफ करो, ये करो, वैसा करो। तो बहुत जरूरी है कि पुरुष जो है वो नारियों का सम्मान करें। करते हैं, आप तो जितने यहाँ बैठे ये तो करते ही होंगे, और वैसे भी करना चाहिए। नहीं करोगे और ये बुरा भी मान गई तो आपका ही घाटा है, क्योंकि अगर खुश रखोगे तो रोज अच्छा अच्छा खिलाएंगे, और जिस दिन थोड़ा सा हुआ नहीं तो बस फिर जो रोज रोटी मिलती थी ना सुंदर सुंदर, अब पूरी जली हुई और ढाई ढाई इंच वाली मिलेंगी। मैया सबसे पहले अपना गुस्सा भोजन पे ही उतारती है।